हेलो गाइस, वेलकम बैक। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद माइक्रो प्रोसेसर 8085। ठीक है, आज हम माइक्रो प्रोसेसर 8085 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक, 8085। देखिए, 8085 माइक्रो प्रोसेसर ही क्यों हम पढ़ते हैं, और यदि हम अपने सिलेबस में माइक्रो प्रोसेसर 8085 ही क्यों दिया हुआ है, और इसका ही ज़्यादा यूज़ तो नहीं कहेंगे, इसी को मतलब फंडामेंटल या फिर बेसिक जो माइक्रो प्रोसेसर को समझने के लिए हम माइक्रो प्रोसेसर 8085 को सबसे पहले उसके पिन डायग्राम को समझते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर में जितने भी पिन्स हैं, यानी कि 40 पिन की आईसी जो होती है, और जितने भी उसके पिन की जो वर्किंग होती है, वो कॉमनली यूज्ड रहता है अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर के लिए। अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर के लिए जितने भी पिन की वर्किंग है, वो कॉमनली यूज्ड रहता है या फिर कॉमनली डिफाइंड रहता है सारे माइक्रो प्रोसेसर के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर से। ठीक, देखिए, 8085 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च हुआ था 1976 में। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो लॉन्च हुआ था वो 1976 में हुआ था। देखिए, यहाँ पे मैंने एक फिगर बना हुआ है। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर कुछ इस टाइप से दिखता था, ठीक है, जिसको हम आईसी भी कहते हैं। तो ये 1976 में आया था, 1976 में इंटेल वालों ने इसको लॉन्च किया था। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट देखो क्या है माइक्रो प्रोसेसर 8085 का। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये जो आईसी है, जो माइक्रो प्रोसेसर 8085 जो है, वो है 40 पिन की आईसी होती है। ठीक है, 40 पिन की आईसी होती है। आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। इसके बारे में भी मैंने फर्स्ट लेक्चर में समझाया था कि आईसी हम किसको कहते हैं। ठीक है, जो कि सिलिकॉन मटेरियल का बना होता है, है ना। तो जो भी मटेरियल यहाँ पे यूज़ हुआ है वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यानी कि सिलिकॉन मटेरियल से बना हुआ है। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है कि ये 40 पिन आईसी है। सेकंड जो पॉइंट है, इसको जो सप्लाई देते हैं वो देते हैं प्लस 5 वोल्ट सप्लाई। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट जो है, जो इसकी स्पीड होती है वो होती है 3 या फिर 5 या फिर 6 मेगाहर्ट्ज़। स्पीड का मतलब होता है कि कितना क्विकली वो प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन को रीड करके उसको एग्जीक्यूट करके रिजल्ट बना के दे रहा है, उसे कहते हैं स्पीड। मतलब कितना फास्ट वो वर्क कर रहा है, है ना, तो उसको कहते हैं स्पीड, जिसको मेगाहर्ट्ज में लेते हैं। फोर्थ पॉइंट इज 8-bit प्रोसेसर। ये जो प्रोसेसर है वो 8-bit का प्रोसेसर है। ठीक है, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इसमें जितने भी डेटा लाइंस दिया रहता है या फिर डाटा लाइंस दिया जो रहता है, 8 डेटा लाइंस रहती हैं। ठीक है, 8 डेटा लाइंस का मतलब होता है इसकी जो वर्ड लेंथ होती हैं वो होता है 8-bit का वर्ड लेंथ होता है। देखो, 8-bit प्रोसेसर या फिर 8 डेटा लाइंस या फिर 8-bit वर्ड लेंथ, तीनों चीज़ एक ही है। इसका मतलब होता है कि एट ए टाइम
जो माइक्रो प्रोसेसर 8085 है वो 8 बिट के डेटा को प्रोसेस करके दे रहा है। ठीक, इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट चलते हैं अपन। 16 एड्रेस लाइंस होते हैं, देखो 16 एड्रेस लाइन का मतलब जो होता है, या फिर ऐसा भी कह सकते हो कि 2 to the power यदि 16 यदि अपन लेते हैं तो वो आते हैं 64 kilobytes। ठीक है, कैपिटल के मीन्स किलो और कैपिटल बी मीन्स बाइट्स, और एक बाइट में 8 बिट होते हैं। देखो 16 एड्रेस लाइन का मतलब होता है जो मेमोरी जो होती है, या फिर 64 KB की जो मेमोरी होती है, ठीक है, वो मैक्सिमम मेमोरी है जो कि कनेक्टेड होती है। मतलब इतनी मैक्सिमम मेमोरी है। देखो ये जो 64 KB का मतलब जो होता है, ये मेमोरी साइज है। 64 KB क्या है? मेमोरी साइज है, जो कि कहाँ से आया? 16 एड्रेस लाइन से आया। 2 to the power 16 से 64 KB निकल के आते हैं, जिसको हम मेमोरी साइज कहते हैं। और मेमोरी साइज का मतलब होता है मैक्सिमम मेमोरी हम कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्टेड इन दिस आईसी। इन दिस आईसी मीन्स माइक्रो प्रोसेसर 8085 से हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखो यही बेसिक चीज़ है। मतलब माइक्रो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर पढ़ने से पहले ये जितनी भी मैंने पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है, वो पॉइंट का पता होना बहुत ज़रूरी है। देखो मैं फिर से रिवीजन करवा देता हूँ, फिर से मैं इसको बता देता हूँ कि देखो माइक्रो प्रोसेसर 8085 हम क्यों स्टडी करते हैं, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर 8085 के जितने भी पिन उसके साथ कनेक्ट है, और जो भी पिन की जो भी वर्किंग है वो कॉमन वर्किंग होती है सारे माइक्रो प्रोसेसर के लिए, या फिर कॉमनली डिफाइंड होती है सारे माइक्रो प्रोसेसर के लिए। इसलिए 8085 माइक्रो प्रोसेसर को हम स्टडी करते हैं। ठीक है, इसको बेसिक माइक्रो प्रोसेसर बोला गया है। ठीक है, जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर को समझ लेगा तो उसको कोई भी माइक्रो प्रोसेसर समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, अब माइक्रो प्रोसेसर 8085 पे कुछ बातें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है जब हम एक्सटर्नल आर्किटेक्चर स्टार्ट करने के पहले। क्या पता होना चाहिए कि माइक्रो प्रोसेसर 8085 जो है, ये देखो ये फिगर है, ये ठीक है, ये आपका फिगर है। ठीक है, 8085 माइक्रो प्रोसेसर 1976 में इंटेल ने लॉन्च किया था। ठीक है, ये कितने पिन की आईसी है? ये 40 पिन की आईसी है। इसको हम सप्लाई कितना देते हैं? प्लस 5 वोल्ट डीसी सप्लाई देते हैं। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट है ये, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। ठीक, इसकी स्पीड क्या होती है? स्पीड या तो 3 MHz, 5 MHz, 6 MHz होती है। जनरली इसकी जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है, या फिर क्लॉक फ्रीक्वेंसी होती है, वो 3 MHz होती है। 3 MHz का मतलब होता है वो कितनी जल्दी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके दे रहा है, डैट इज कॉल्ड अ स्पीड, जिसको हम मेगाहर्ट्ज में लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 8-bit processor। 8-bit processor का मतलब होता है, देखो यहाँ पे 8-bit processor, या फिर इसको 8 data lines कह लो, या फिर इसको 8-bit word length कह लो, है ना। तो 8-bit का मतलब होता है 8-bit processor, यानी कि 1010 के फॉर्म में 4 bit जब रहते हैं उसको 8-bit processor कहते हैं। और हर एक बिट को एक डेटा लाइंस माना है, जिसको हम कह रहे हैं 8 data lines। और 8-bit को हम वर्ड लेंथ भी कहते हैं, यानी कि इसका मतलब होता है कि एट ए टाइम माइक्रो प्रोसेसर कितना बिट प्रोसेस करके दे रहा है। तो यदि 8-bit का प्रोसेसर है तो एट ए टाइम माइक्रो प्रोसेसर 8-bit का डेटा प्रोसेस करके दे रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। लास्ट जो रहता है 16 एड्रेस लाइन्स। 16 एड्रेस लाइन्स का मतलब होता है, या फिर जिसको हम कहते हैं मेमोरी। ठीक है,
टू टू दी पावर 16 से हम 64 केवी निकल के आते हैं। 64 केवी का मतलब होता है किलोबाइट, जिसको हम कहते हैं मेमोरी साइज, और मेमोरी साइज का मतलब होता है कि कितनी मैक्सिमम मेमोरी हम इस आईसी से कनेक्ट कर सकते हैं, और आईसी का मतलब होता है माइक्रोप्रोसेसर 8085 से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद हम एक्सटर्नल आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रोप्रोसेसर में जाएंगे और उसके हर एक पिन को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से उसको समझेंगे। ठीक है, थोड़ा टाइम टेकन वाली बात आएगी। ठीक है, अपन धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना है, बहुत जल्द हम एक्सटर्नल आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रोप्रोसेसर लेके आते हैं। ठीक, तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम एक्सटर्नल आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रोप्रोसेसर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।